दिया हुआ सांस ली जा सकती है। अगर सौम्या को कुछ हो गया ना मीका, क्या होगा अम्मा को? हाँ बोलो। कुछ नहीं होगा। ओके क्यों परेशान है वो? प्रॉब्लम क्या है उनकी? अरे मेरी अम्मा, डू यू इवन रियलाइज इतनी डिफिकल्टी के बाद मुझे अशोक खन्ना से डिवोर्स मिला है? इट्स नॉट बीन इजी फॉर मी अक्का। अरे अब मैं फ्री हूँ, फाइनली जिंदगी अपने हिसाब से जी सकती हूँ, और अम्मा को किस बात की परेशानी है? आई हैव अ ग्रेट जॉब, आई एम इंडिपेंडेंट, अपने पैरों पर खड़ी हूँ मैं। मेरी अम्मा प्लीज कम ऑन, आप लोगों ने हमेशा मेरा साथ दिया है, आप लोग हमेशा मुझे सपोर्ट करते हो, यू आर माय स्ट्रेंथ मेरी मन। Calm down. I completely understand you. But तू एक बार सोच ना, अम्मा और क्या नाम है उनका? चिंटी। हाँ। I completely understand you. But तू एक बार अम्मा और चिंटी के point of view से सोच ना। देख हर किसी को life में companion की ज़रूरत तो होती है। Am I right or not? हाँ। You're right. लेकिन क्या इस बात की guarantee है कि वो मुझे खुश रख पाएगा? क्या शादी ही खुशी की गारंटी है अक्का, बताओ? हाँ, शादी जरूरत है, ये खुशी दुख ये सब चलता रहता है, यही तो लाइफ है। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे स्टक हो ना तो रहो, लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हिलने नहीं वाली। मैं शादी नहीं करूंगी, जब मुझे करनी होगी मैं आपको बता दूंगी। इसलिए डोंट वेस्ट योर टाइम, आई डोंट लुक फॉर बॉयज। ओके मुझे पता था यही होगा। ओके, तुम टेंशन मत लो। अच्छा ब्रेकफास्ट करो प्लीज, लो कुछ बड़ा खाओ। अरे इसमें क्या ले रहा हूँ? रोलिंग एक्श। इतनी मुश्किल से मुझे छुटकारा मिला है अशोक खन्ना से, आपको मेरी खुशी देखी नहीं जाती? आई एम हैप्पी, अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे जी रही हूँ। मैं कह रही हूँ वो सौम्या की हालत क्या हो गई है, उसका बीपी बढ़ गया है, अगर उसको कुछ हो गया ना। क्या होगा, क्या होगा अम्मा को? कुछ नहीं होगा उन्हें, समझिए आप। वो परेशान क्यों है, क्या बात है? अक्का आपको पता है ना मेरी अम्मा व्हाट आई हैव गॉन थ्रू, इतनी मुश्किल से रुला रुला के उसने मुझे डिवोर्स दिया है। फाइन जी सकती हूँ, और अम्मा को प्रॉब्लम क्या है? शी शुड बी हैप्पी, आई हैव अ जॉब, अपने पैरों पे खड़ी हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ। हमेशा मुझे सपोर्ट किया, ओके? यू आर माय स्ट्रेंथ, मैं आपको देखती हूँ ना सपोर्ट के लिए मेरी अम्मा, और आप ये प्लीज काम डाउन, काम डाउन। देख आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कंप्लीटली, लेकिन तू एक बार अम्मा और चिट्टी की पॉइंट ऑफ व्यू से सॉरी कौन बात कर रहा है? चिट्टी आपकी लाइन से ले लो मेरा। चिट्टी चिट्टी आप अपने यू नो व्हाट पेरी अम्मा, वो शादी के लिए फोर्स किया जा रहा है और फिलहाल अब भी मैं मानती हूँ कि यह मोहब्बतें में सोशल इश्यूज बहुत ही ब्यूटीफुली हैंडल किए जाते हैं, और हमारी सोसाइटी में एक लड़की के लिए की शादी का टूटना किसी भी फैमिली पे स्टिग्मा है, और मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से, और मैं भी मानती हूँ कि हाँ कहीं ना कहीं शायद मेरे लिए भी अगर होता तो होता, बट वक्त बदल गया है, लोगों की थिंकिंग बदल गई है, और साउथ इंडियंस जो है बहुत ही प्रोग्रेसिव वे में सोचते हैं, तो मुझे थोड़ा सा ये बात मुश्किल हो रहा है डाइजेस्ट करने में कि मेरे घर वाले ये समझ नहीं पा रहे कि अगर मेरा डिवोर्स हुआ है तो मुझे थोड़ी सी सांस लेने का तो वक्त चाहिए। अभी एक दो दिन ही हुए हैं और आप अभी से ढूंढना शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरी अशोक से कोई अटैचमेंट थी, बट इट इज़ अ ट्रॉमा फॉर मी, और इमोशनली मैं रेडी नहीं हूँ, और क्या मैं अगले पार्टनर को रैशनली चूज़ कर पाऊँगी, तो ये सारे थॉट्स मेरे अंदर हैं, और
कहीं ना कहीं आई थिंक अय्यर हाउस के सभी लोग ये बात समझते हैं बट वो कंसर्न है. तो इस सिचुएशन को भी बहुत ही ब्यूटीफुली हैंडल किया जाएगा. फाइनली जिससे भी मेरी शादी होगी वो बहुत ही खूबसूरती से दिखाया जाएगा. कहीं शादी मिहिर से तो नहीं होगी? कुछ लोग कहते हैं कि मिहिर से होगी, कुछ लोग कहते हैं ACP अभिषेक से होगी, कुछ लोग कहते हैं कि रोमी से होगी, कुछ लोग कहते हैं कि कोई और आएगा. बट आई थिंक एज अ कैरेक्टर अगर मैं कहूँ तो मिहिर इज़ अ विडो, उसकी बीवी मर चुकी है और मैं डिवोर्सी हूँ. तो लक्षण तो यही दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं शायद हम एक हो जाएंगे और कायदे से भी होना चाहिए. बट या उसको भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी शादी मिहिर से ही होने वाली है. So, हो सकती है क्योंकि उन्होंने अपने अंदाजे बहुत डाल दिए. सो इस शो में अभी और कितने फिश एंड टन आपकी शादी के लिए आए? आई डोंट नो. इनफैक्ट आज ही हमने एक सीन शूट किया जब कोई लड़के वाले आते तो सब मुझे सेट पे चढ़ा रहे थे ये 8वां या 9वां है. तो आई थिंक हमारे जो राइटर्स हैं वो मीका के लिए सही वर ढूंढ ही नहीं पा रहे, इसलिए वो बहुत सारे वर लेके आते हैं मेरे लिए. मेरे माँ बाप की तरह हमारे राइटर्स भी वर ढूंढ रहे हैं मेरे लिए. बट आई डोंट नो क्या ट्विस्ट एंड टर्न होगा. अगर मैं और मिहिर एक होंगे तो बहुत ही मच्योर लव स्टोरी फिर से शुरू हो सकती है हमारे बीच. क्योंकि अब वो अपने बैगेज के साथ आएगा, मैं अपने मिहिर. इट विल बी अ वेरी ब्यूटीफुल मैच्योर लव स्टोरी क्योंकि अभी हम बच्चे नहीं रहे, हम एक एक्सपीरियंस से गुजर चुके हैं. और लेट्स सी क्या होता है किस्मत. सो अभी क्रिसमस पे आने वाले हैं, न्यू ईयर्स पे आने वाले. सो क्रिसमस एंड न्यू ईयर्स की क्या प्लान है? खैर क्रिसमस और न्यू ईयर्स के कोई प्लान नहीं है अब तक. तो होपफुली काम करूँगी और कुछ अगर वक्त मिला तो अपने दोस्तों के साथ या अपनी फैमिली के साथ बिताऊँगी. सो अभी दिलीप कुमार जी को उनका 93 बर्थडे था, उनको पद्म भूषण आपने सुना होगा कल, सो उनके बारे में क्या कहना चाहती हैं? व्हाट डू आई से, मैं बहुत छोटी हूँ उम्र में भी और हर वे में. दिलीप कुमार सर इज़ अ लेजेंड और इट्स सो लवली कि ही इज़ 93 एंड ही इज़ सो एक्टिव. और मैं कुछ विजुअल्स देख रही थी उनके प्रीवियस बर्थडे पार्टीज़ के और आज भी उन्हें देख के एक फ्लटर होता है दिल में. ही सो हैंडसम, मैं क्या कहूँ, आई एम जस्ट ब्लशिंग. एंड आई होप कि दिलीप जी 100 साल उससे ज़्यादा पहुँच जिए और उन्होंने एक लेगेसी छोड़ी है हम एक्टर्स के लिए और इवन ह्यूमैनिटी के लिए एक लेगेसी छोड़ी है. और उनके फुट स्टेप्स को मैच करना आसान नहीं होगा. बट आई विश ही लिव्स मैनी मोर ईयर्स एंड हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस टू हिम ऑन रिसीविंग दिस अवार्ड. इस शो से आपकी फैन फॉलोइंग भी काफ़ी बढ़ गई, स्पेशली लड़कों की. तो आप अपने फैंस के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने 2 सालों तक इस शो को पसंद किया है, दिल से देखा है. और मुझे पता है कि किसी भी शो में उतार चढ़ाव आते हैं, कभी कभी ऑडियंस गुस्सा हो जाती है और कहती है ये क्या है, वो क्या है, ये समझ में नहीं आता. बट ये शो आपको इसलिए छूता है क्योंकि दिल से एक मैसेज आता है जो दिल तक पहुँचता है. और कभी कभी हफ्ते में अगर आपको 7 बार टेलीकास्ट करना है तो ऊपर उतार चढ़ाव आते रहते हैं. बट डोंट स्टॉप वॉचिंग द शो. मैं ही नहीं, इस शो का हर एक्टर आपके प्यार को बहुत वैल्यू करता है. और थैंक यू सो मच.